हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे, महाराष्ट्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, डेंटिस्ट क्यों कहते हैं कि रूट कैनाल कराइए, एंड इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसकी क्या कॉस्ट होती है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेंटिस्ट क्यों कहते हैं कि रूट कैनाल करा लीजिए या फिर आपके दांतों में रूट कैनाल की जरूरत है। तो बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जैसे कि आपको फोटो दिख रही है, ये दांत की फोटो होती है। तो हर दांत के अंदर इस तरीके से तीन लेयर होती है, यानी कि दांत में जो अंदर नसें होती है उसको इस तरीके से लेयर कवर करी रहती है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रांग लेयर होती है, बहुत ही मजबूत लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड जो इन लेयर होती है उसको हम डेंटिन कहते हैं। ये डेंटिन लेयर बहुत सेंसिटिव होती है। और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम पल्प बोलते हैं। यहाँ पर ही हमारे नर्व वेसल्स होते हैं, नसें प्रेजेंट होती है। तो अगर पेशेंट का कभी कोई इन्फेक्शन, दांत में कीड़ा लग गया है या फिर पेशेंट का दांत टूट गया किसी भी कारणवश, ये अंदर के लिए जो इनर मोस्ट पल्प जो हमने बोला है उसमें अगर पहुंच जाए इन्फेक्शन या फिर दांत टूट जाए तो वो लेयर एक्सपोज हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि रूट कैनाल करना पड़ेगा। क्योंकि वो नस का, क्योंकि आपका जो इन्फेक्शन होता है वो दांत के अंदर जो रूट होती है उसमें पहुंच जाता है, नर्व्स में पहुंच जाता है, नसों तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रूट कैनाल करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे पहुंचता है तो पेशेंट को पेन होता है, दर्द महसूस होता है। एंड मोस्टली ऐसा दर्द होता है कि नाइट टाइम में होता है, यानी कि रात में मोस्टली होता है। वो रिफर्ड पेन भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो सर तक जाता है, कान तक जाता है, थ्रोट में भी किसी किसी का पेन होता है। तो इस तरीके का पेन है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दांत में इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन आपके नर्व तक पहुँच गया है। दूसरा क्या रीज़न होता है कि कभी कभी पेशेंट को ऐसा रहता है कि मैम सिर्फ अभी मेडिसिन दे दो, अभी मेडिसिन से ठीक कर देते हैं एंड उसके बाद रूट कैनाल करा लेंगे। लेकिन मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनका हो सकता है कुछ महीनों के लिए दर्द खत्म हो जाए, कि 2 महीने के लिए उनका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन दोबारा से उनको पेन स्टार्ट हो जाएगा। एंड हो सकता है जो इन्फेक्शन है उसके अंदर, दांत के अंदर, वो बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पर रूट कैनाल ना हो पाए, हो सकता है हमें दांत रिमूव करना पड़ेगा। तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर कोई डेंटिस्ट आपको कहता है कि रूट कैनाल स्टार्ट करा दीजिए तो इमिडिएटली आप स्टार्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मैम क्या ये पेनफुल है। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके भी लिखा है कि मैम हमने तो कराया था, बहुत पेन होता है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके अनुसार अगर मैं आपसे बताऊं तो ये पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई पेशेंट को पेन नहीं होता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि 45 मिनट, 40 मिनट तक या फिर कभी कभी 1 घंटे तक पेशेंट को बैठा रहना पड़ सकता है। और इसमें सिटिंग्स लगती है, हो सकता है मल्टीपल सिटिंग का ट्रीटमेंट, कभी कभी बार पेशेंट को मल्टीपल बार बुलाना पड़ता है, 2 या 3 बार बुलाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा पेशेंट का डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन अगर पेन की बात की जाए तो ये पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, इसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें करते क्या है। इसका जो प्रोसीजर की बात अगर की जाए तो सबसे पहले हम इसमें जो दांत के अंदर जाके, यानी कि दांत के ऊपर की सरफेस से ड्रिल करके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो इन्फेक्शन है रूट के अंदर वो निकाल देते हैं। जब वो इन्फेक्शन हटा देते हैं तो उसके बाद फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं, तो ये इस तरीके से रूट कैनाल कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें कैप लगाई जाती है, कैप लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि रूट कैनाल के चार्जेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ट्रीटमेंट का चार्जेस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, अलग अलग क्लिनिक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। बट बेसिक जो स्टार्ट होता है वो 3,000 से स्टार्ट होता है एंड 5 या 6,000 तक रूट कैनाल के चार्जेस लेते हैं। ये पर टूथ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके एक दांत में इन्फेक्शन है तो 3,000 रुपये से स्टार्ट होकर 6,000 रुपये तक ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रूट कैनाल होता क्या है, रूट कैनाल का प्रोसीजर क्या होता है एंड रूट कैनाल के चार्जेस क्या होते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।